नगर निगम कोटा उत्तर वार्ड नंबर 20 ओम वाटिका सोगरिया में गांव से भी बुरे हालात हैं। बारिश के दौरान पूरी कॉलोनी जलमग्न हो जाती है, जिसके कारण सड़क पर हो रहे गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे वाहन सवार व पैदल निकल रहे स्थानीय वासी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनी में कई बार चोरी हो चुकी है, पुलिस की गश्त होना जरूरी है। महिलाओं का कहना है कि स्ट्रीट लाइट नहीं जलती, पूरी कॉलोनी में अंधेरा बना रहता है। सड़क का घटिया निर्माण कार्य, बारिश के दौरान हो रही दुर्घटनाएं, सड़क पर हो रहे बड़े बड़े गड्ढे, बारिश के दौरान कई लोग गड्ढों में गिरकर हो चुके हैं दुर्घटनाग्रस्त। नगर निगम की ओर से कॉलोनी में किसी प्रकार की सफाई नहीं होती और ना ही कॉलोनी में कचरा संग्रहण के लिए टिपर आते हैं। बारिश के दौरान पूरी कॉलोनी जलमग्न हो जाती है। वर्तमान में कॉलोनी में सीवरेज लाइन का कार्य चल रहा है, लेकिन उसे देखने वाला कोई भी इंजीनियर मौके पर मौजूद नहीं है। लोगों का कहना है कि घटिया निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने समस्या की शिकायत कई बार मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल 181 पर भी की है। सोगरिया से चंद्रेसल वाली सड़क पर कई निजी विद्यालय हैं, जिसमें आए दिन सड़क पर छोटे बच्चे पानी में भरे गड्ढे में स्कूल जाते समय गिर जाते हैं और चोटिल हो जाते हैं। ओम बाटी का कोटा है ये सोगरिया से आगे चल के, लेकिन यहाँ पे क्या है भैया, ना तो कोई लाइट की व्यवस्था है, यहाँ पे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। और अभी 2-3 महीने पहले यहाँ चोरी हुई है, खूब दो खिड़की कटी है हमारी, और सामान भी गया, लेकिन हमने थाने में रिपोर्ट करवा ली, सब करवा ली, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारे। तो पुलिस वाले आते नहीं कि गश्त करने के लिए? इधर कोई नहीं आता भैया, इधर नहीं आते कोई भी, अंधेरा रहता है। अंधेरा रहता है, अगर चाहिए तो तुम अपनी लाइट जला लो, नहीं तो यहाँ पूरे में अंधेरा है पूरे। अभी थोड़ी देर बाद आप आओगे तो आपको कोई नहीं दिखेगा यहाँ पे बाहर रोड पर। कितने मकान में चोरी हुई? हमारे दोनों में हुई थी, एक इनके हुई थी, एक हमारे हुई थी, दोनों घर में चोरी हुई थी। कैसे घुसे खिड़की में? खिड़की काट के घुसे भैया, खिड़की काटी थी ऊंची करके, कूलर हमारा रखा था, कूलर नीचे रख दिया उन्होंने, खिड़की काट के बाकायदा। अब पता नहीं एक घुसे दो घुसे, हमें पता नहीं है, हमें नींद नहीं खुली थी हमारी, लेकिन चोरी हुई है। ये भी थी, इनकी भी चोरी हुई है। ये ओम वाटिका है और यहाँ पे मतलब कॉलोनी वाले भी कोई ध्यान नहीं देते किसी भी चीज़ पर, और सब अपने अपने आप से मतलब रखते हैं किसी के यहाँ क्या हो रहा है। अगर पड़ोस में भी कुछ हो रहा है ना तो कोई किसी से पूछता नहीं है। यहाँ पे हम इतना भुगत के बैठे जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन सब अपने अपने घरों में आराम से सो रहे हैं। यहाँ पर रोडों की हालत देखो, जब से ये रोडों का काम चला ना, तब से लेकर आज दिन तक हम इतने परेशान हैं जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ कोई सुनता ही नहीं है, मतलब हमारा ब्लॉक सबसे पीछे है, तो इधर कोई वो पूछने वाला भी नहीं है। ना लाइट जलती, हम लाइट के लिए बोल चुके हैं। और जिधर ये रहते हैं जयसिंह जी, तो उस तरफ चौगान की तरफ, वहाँ से यहाँ इनके घर से लेके और ठेठ KBS स्कूल तक कोई लाइट नहीं है, पूरे रोड पर अंधेरा है। कोई मतलब बंदा 6 बजे 7 बजे बाद में कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, कोई किसी को लेन देना नहीं है यहाँ पे। तो पुलिस रहती है? पुलिस, कोई पुलिस वुलिस नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। कितने महीने हुए है ना? 2-3 महीने हो गए हमारे घर में चोरी हुए, लेकिन किसी को कोई लेन देना नहीं है। पुलिस वाले आए थे, देख के चले गए, रिपोर्ट लिख के चले गए, बस सो रहे हैं आराम से, किसी को कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अगर हमें वो मार के भी पटक जाते ना तो भी किसी का कुछ नहीं जा रहा था यहाँ पे। मेरा नाम मधु सिंह है जी, ओम वाटिका कॉलोनी है, सोगरिया की तरफ आती है। इसमें बहुत टूटा फूटा रोड हो रहा है, रोड बिल्कुल इतना क्षतिग्रस्त हो चुका है कि आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, और रोड पे एक भी लाइट नहीं जलती रहती है, और कोई भी मतलब 7-8 बजे तक कोई लेडीज अकेली नहीं निकल सकती, क्योंकि यहाँ पे बैठ के लोग बाग कोई शराब पी रहा है, कोई क्या कर रहा है, मतलब इस तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल बेकार हो रही है कॉलोनी। यहाँ तो कोई सुरक्षा की वजह से कोई गार्ड नहीं है, कोई पुलिस भी सुनाई नहीं करती है, पुलिस से भी कहते हैं तो वो भी एक बार आके इग्नोर मार के चली जाती है, कोई मतलब एक्शन नहीं लेते किसी भी चीज़ पे। तो यहाँ के वासी त्रस्त हैं, ग्रस्त हैं इस तरीके से, तो कोई किसी से कुछ नहीं कह सकते, पर परेशान सारी जनता परेशान है। हम लोग कह के थक चुके हैं, पर कोई भी एक्शन नहीं लेता, सुनवाई नहीं करते हैं। मेरी भी सिस्टर, छोटी वाली सिस्टर यहीं रहती है, तो उसके भी चोरी हुई, तो सबका गेट बाहर से बांध दिया, एक बार जाके पुलिस वाले आके चले गए बस फॉर्मेलिटी के तौर पे, और फिर उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया कि भाई क्या गया है क्या नहीं गया थाने में। ये गए, मेरा नाम नीतू सिंह चौहान है। कौन सी कॉलोनी है, क्या समस्या है? ओम वाटिका कॉलोनी है, 20 नंबर वार्ड। रोड पूरा खुदा पड़ा है, रात में सांप कीड़े डोलते हैं, छोटे बच्चों को खाने का डर रहता है, यहाँ तक कि घरों में भी घुस जाते हैं। रोड लाइट बिल्कुल नहीं है कॉलोनी में, कम से कम 16 लाइटों की ज़रूरत है। बिल्कुल रोड फूटा हुआ है, सीवरेज का काम चल रहा है, पूरा रोड फूटा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहे। बारिश के दौरान पानी बढ़ जाता है गड्ढे, बिल्कुल बारिश के दौरान देख लो आपके सामने वीडियो होता तो चला। आप नाम बताएं आपका? महेश गुजर।
ये सोगरिया से सोगरिया शमशान रोड की सड़क है और चार महीने से इस रोड पे आए दिन ही एक्सीडेंट होते रहते हैं। कोई पानी में गिर रहा है, कोई एक्टिवा, कोई महिला पानी में गिर गई, बच्चे गिर जाते हैं स्कूल जाते समय। तो मैं हम कहाँ से कहाँ जाती है सड़क? ये ऐसे तो सोगरिया से चंद्रेश्वर के लिए जाती है, स्कूल भी है क्या इस रोड पे? यहाँ पर एक KBS स्कूल है जहाँ पे बहुत बच्चे आसपास के दूर से भी आते हैं, गांव से भी आते हैं, कॉलोनी से भी आते हैं और ये मेन रोड है, इसी रोड से आते हैं बच्चे। लेकिन हम तो देखते रहते हैं कोई कीचड़ में गिर जाता है साइकिल समेत, उसका किताबें ख़राब हो जाती है, बैग ख़राब हो जाता है, तो वापस स्कूल नहीं जाता, वापस वो घर के लिए लौट जाता है। मेरा नाम चंद्र प्रकाश नागर है। ये सर वार्ड 43 है जिसमें हम रहते हैं, इस पर जो ये नहर वाला जो केनाल रोड है इस पर बहुत समस्या रहती है। रात में बहुत अंधेरा रहता है पब्लिक को आने जाने में, और लाइटें इस भी कई जब से रोड बना जब से चालू नहीं है, और तमाम तरह के नशीले लोग जो नशा करते हैं वो भी बैठते हैं, और मतलब कुल मिला के रोडों की भी रिपेयरिंग की भी ज़रूरत है सर। बारिश के दौरान क्या हालत है? बारिश के दौरान तो आप मेयर से क्या पब्लिक की जवानी भी सुन सकते हो क्या हालत है, जो वहाँ से निकल रहे हैं उनसे पूछो, मैं तो निकल ही रहा हूँ, लेकिन और से भी आप ले सकते हो, आप खुद भी जाके देख लो क्या स्थिति है। लोग कहना है कि पानी भर जाता है, गड्ढे दिखाई नहीं देते, गिर जाते हैं। हाँ जी सही है, सही है सर, और आप लाइव भी देख सकते हैं ये चीज़ें जाके। सोगरिया वाली जो रोड है वो कब से नहीं बनी? सोगरिया वाली सर रोड अभी फिलहाल तो पहले तो सही थी वो, लेकिन 6 महीने पहले ये सिविल लाइन्स का काम हुआ है जब से पूरे हालत बिगड़े हुए। हाँ सीवरेज। मेरा विजेंद्र वाटिका वार्ड नंबर 20, मैं सोगरिया में से रोज मेरा आना जाना है। पूरी समस्याएं हमारे जो पूर्व में पड़ोसियों ने सबने बताई, वास्तविक सत्यता यह है कि रात को 7 बजे 8 बजे बाद कोई आदमी ओम वाटिका में कैसे आए, ये बिल्कुल समस्या है। बाहर का कोई व्यक्ति ओम वाटिका तक आ नहीं सकता है। रोड पूरा वार्ड नंबर 20 का पूरा रोड खुर्दा हुआ है, पूरी अंधेरे बस्ती अंधेरी हो रही है। वार्ड नंबर 43 से जो महाकाल चौराहे पे रोड मिलने वाला है वो रोड भी किसी वाइन स्टोर के सामने रोड मिला हुआ नहीं है, लोग बाग घूम फिर के आते हैं, और असामाजिक तत्वों का इतना बड़ा नाटक है कि बिना किसी के, और पुलिस में भी कोई भी कंप्लेंट करते हैं उसका कोई जवाब नहीं होता। इस ओम वाटिका में 3-3 बार 4-4 बार चोरियाँ हो चुकी हैं। कौन सी जगह है, क्या समस्या है? ओम वाटिका है, 20 नंबर वार्ड है, इसमें लाइटों की भी परेशानी, रोड की भी परेशानी। सोगरिया से हम आते हैं, पूरी रोड लाइट ख़त्म है, अंधेरा रहता है, नहर पर बिल्कुल रोड खुदा पड़ा है कॉलोनी का, ये इनने पूरी रोड को खोद के पटक दिया चारों तरफ से। 8 बजे कॉलोनी में क्या होना चाहिए? ये रोड सही होना चाहिए, चारों तरफ से रोड लाइट लगनी चाहिए, और ये खड्डे में जो पानी भरा है ये जो हमारे बीमारियाँ हो रही है इससे मच्छर पे पैदा हो रहे हैं, सांप कीड़े निकल रहे हैं। हाँ अप्रूव्ड कॉलोनी है, अप्रूव्ड कॉलोनी है, पट्टे मिले हैं नगर निगम के। गुमान सिंह है ये ओम वाटिका सुगरिया का। यहाँ पे आए दिन चोरियाँ हो जाती हैं, सड़कों की स्थिति खराब है, रोड लाइट्स नहीं हैं और कोई सुनवाई भी नहीं है। कॉलोनाइजर कहता है कि UIT से अप्रूव हो गया तो अब म्यूनसिपाल्टी करेगी, पुलिस वालों का कोई है नहीं, कोई गश्ती नहीं है। रात में 8 बजे के बाद आप रोड पे निकल जाओ तो, या मॉर्निंग वॉक में सुबह 5 बजे निकलो तो लोगों को डर लगा रहता है कि कोई चोर आ जाए या कोई कुछ हो जाए। ये सारी समस्याएं हैं यहाँ पर। बारिश के दौरान पूरी कॉलोनी की सड़कें खुदी हुई हैं, जो बनी हुई हैं वो भी गड्ढे वाली ही बनी हुई हैं, उसमें पानी भर जाते हैं। आप आए होंगे तो आपने देखा भी होगा कि बीच में पूरा स्विमिंग पूल बना हुआ है बारिश के तौर पे, इंट्रेंस पे भी आपने देखा होगा कि पूरा घुटने तक के गड्ढे बने हुए हैं, कीचड़ है। तो पानी रेगुलर भरा रहता है? जब बारिश होती है तो भरता ही भरता है। आपका नाम? मेरा नाम मनीष।